तो आखिर कुरोसावा इन लेजेंडरी फिल्म मेकर का नाम सबने सुना होगा। और रिसेंटली रेबर मून में इन्हीं की मूवी की कहानी दिखाई गई। लिटरली इनके मूवी से इंस्पायर होकर कई सारे मूवीज बनी। तो इसी से मेरे 5 फेवरेट मूवीज आखिर कुरोसावा की। सबसे पहले 7 समुराई 1954 में आई थी, कल्ट क्लासिक मूवी। एक गाँव के किसानों की कहानी जो लुटेरों के आक्रमण से बचने के लिए एक्सपीरियंस समुराई को किराए पर लेते हैं। समुराई अपने साथ और 6 समुराई को बुलाता है और उन्हें गाँव की रक्षा करने को कहता है। समुराई और किसानों के बीच की दोस्ती, सहानुभूति और बलिदान को दिखाया मूवी में। योजिम्बो 1961 की मूवी एक होशियार रोनिन की कहानी जो बहुत चालक है। शहर में आता है जहाँ पर दो अपराधी गैंग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। रोनिन उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेलने का फैसला करवाता है और शहर को उनके कब्जे से फ्री करने की कोशिश करते हैं। मूवी में रोनिन की होशियारी, उसने जो प्लानिंग की थी, जो उसने कई सारे मास्टर माइंड ट्रिक्स खेली थी और जो उसकी एक्सेलेंट फाइट स्किल है यानी लड़ाई का जो उसका तरीका है उसको दिखाया है बहुत बढ़िया तरीके से, देख लो। उसके बाद 1985 में रैन एक ओल्ड युद्धनायक की कहानी है जो अपना राज्य अपने 3 बेटों को दे देता है और ये ना अंदाजा लगा पाता कि एक जो नई शक्ति आई है वहाँ पर, वो उन्हें भ्रष्ट कर चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ कर चुके हैं। फिल्म में पिता और बेटे के बीच के संबंध, पॉलिटिक्स, वॉर और डिस्ट्रक्शन यानी संबंध, राजनीति, युद्ध और विनाश, चारों चीजों को दिखाया। इसके बाद 1952 की एक नौकर शाह की कहानी यानी एक आदमी जो अपने जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसे पता लगता है कि उसे कैंसर है, लास्ट स्टेज कैंसर, मुंह में उसके जीवन के अलग अलग पहलू जैसे कि काम, परिवार, दोस्ती और प्यार सबको दिखाया। और इसके बाद लास्ट में राशोमन 1950 में आई, एक दुल्हन के बलात्कार और उसके समुराई पति के हाथ के होने के बाद एक डाकू, दुल्हन, समुराई की आत्मा और एक लकड़ी काटने वाले के नजरिए से याद करती मूवी है। फिल्म में सच, झूठ, कौन दोषी है सब कुछ दिखाया। तो ये 5 मूवीज देख लो।